मेरे दादाजी गांव के सरदार थे गांव में जिस किसी की भी शादी होती थी उनके घर वाले एक रात के लिए अपनी दुल्हन को हमारी हवेली में भेज देते थे सुबह दादाजी उनको एक गिफ्ट देते थे और वो गिफ्ट दुल्हन किसी को ना दिखाती थी और वो लड़की नौ महीने के बाद पेट से हो जाती थी गांव के लोग दादाजी की बहुत इज्जत करते थे हैरत की बात यह थी कि दादाजी ने सख्ती के साथ मना किया था कि मेरी शादी नहीं करवानी है और मेरी उम्र निकलती जा रही थी एक दिन गांव में एक दुल्हन आई मैंने उसको अपने कमरे में बंद करके खुद उसकी जगह दुल्हन बनकर दादाजी के कमरे में चली गई जब कमरे में गई तो सब लाइट बंद थी और फिर अचानक से दादाजी ने मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरी चीख निकल गई कुछ ऐसा ही वाक्य मेरे साथ हुआ गांव में मेरे दादा की बहुत इज्जत होती थी वो पांच वक्त के नमाजी थे गांव के लोग उन्हें बहुत इज्जत और एहतराम से देखते थे वो बहुत लोगों की मदद भी कर देते थे पर हमारे गांव में एक अजीब रिवाज था जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो वो हमारे महल में पहली रात के लिए दुल्हन बनकर आ जाती थी और पूरी रात दादाजी के कमरे में गुजारती सुबह एक तोहफ़ा उसे देते उसके ठीक नौ महीने बाद लड़की पेट से हो जाती थी मुझे यह बात हमेशा से अजीब लगती थी भला ये क्या तरीका है कि शादी के बाद दुल्हन दुल्हा के पास जाने की बजाय पूरी रात दादा के कमरे में गुजारती मैं जब तेरह साल की थी तब से यही रिवाज देखती आ रही थी अब मेरी उम्र बीस साल की हो गई थी मैंने यह बात अम्मी से बहुत बार जानने की कोशिश की पर अम्मी ने भी नहीं बताया और हर बात चुप करा देती इस बार मेरी बचपन की सहेली की शादी हुई वो अपनी शादी में बहुत घबराई हुई थी मेहंदी वाले दिन मैंने उसे छेड़ते हुए कहा दूल्हा की संगत का सोचकर घबरा रही हो मेरी बात पर उसने हल्का सा मुस्कराया और बोली मैं तुम्हारे दादा को सोचकर घबरा रही हूँ सच बता तेरे दादा नई नवेली दुल्हन के साथ क्या करते हैं मुझे तो कुछ पता नहीं था मैंने कहा मुझे भी जानना है कि दादा पूरी रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं समरा मेरी बचपन की सहेली थी जब उसका रिश्ता तय हुआ था उस वक्त मेरे लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता आया था मेरे मम्मी पापा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे लेकिन दादा ने साफ मना कर दिया था कि नीलों का रिश्ता अभी नहीं करना है मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ आखिर दादा इस रिश्ते को मना क्यों कर रहे हैं एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि क्या आप भी शादी के बाद दादाजी के कमरे में गई थी अम्मी ने कहा चुप बेश्रम मैं तो उनकी बहू हूँ अम्मी ने मुझे डांट दिया था मैं उस वक्त सत्रह साल की थी फिर मैंने अम्मी से कहा आखिर दादाजी दुल्हन के साथ करते क्या हैं? उन्होंने मुझे मार कर भगा दिया मैं रोने लगी आखिर बात क्या है जब मेरी सहेली समरा की शादी हुई वो भी मेरे दादा के पास दुल्हन बनकर रात में आ गई और रात भर मेरे दादा के कमरे में बनी रही सुबह जब मैंने उसे देखा तो उसके हाथ में एक तोहफ़े का डब्बा था मैं फौरन समरा के पास गई और उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और पूछने लगी कि मेरे दादाजी कमरे में क्या करते हैं मेरी बात को अनसुना करके वो कहने लगी मुझे मेरा पति लेने आ चुका है मुझे जाना है वो मुझसे हाथ छुड़ाते हुए तेज़ी से मेरे कमरे से चली गई मुझे बड़ी हैरत थी कि ये तो मेरी सहेली थी ये तो मुझे सब कुछ बताती थी और आज जब मैं इस राज को जानना था कि अब मुझे पता चल जाएगा तो इसने भी मुझे कुछ नहीं बताया अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ था तो उसे बताना चाहिए था इसी वजह से मेरे दादा मुझे कम अच्छे लगते थे मैंने दिल में पक्का कर लिया था कि समरा से मैं सच उगलवा कर रहूँगी कुछ दिन के बाद मैं समरा के ससुराल पहुँच गई उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल थी मुझे देख कर मुस्करा कर गले मिली उसका पति भी मुझसे खुश होकर मिला मैंने समरा से कहा क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं वो मुझे अपने कमरे में ले गई जब मैंने दोबारा से समरा से वही सवाल किया तो वो गुस्सा करने लगी कहने लगी मुझसे क्या पूछ रही हो जाकर अपने दादा से पूछ लो मैंने कहा अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम चुप क्यों हो तुम्हें सबको बताना चाहिए मेरी बात सुनकर वो चिल्लाकर बोली मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ समझी तुम्हें ज़्यादा ही जानने का शौक़ है तो किसी दिन खुद दुल्हन बनकर दादा के कमरे में बैठ जाना सब पता चल जाएगा एक दिन मैं समरा के कहने पर एक दुल्हन की जगह खुद अपने दादाजी के कमरे में चली गई कमरे में अंधेरा था इस वजह से दादा ने मुझे पहचान नहीं पाया उसके बाद दादा ने मुझे अपने बाहों में लिया और मेरे साथ वो सब कर डाला जो वो हर लड़की के साथ करते थे सुबह उठकर मुझे दर्द हुआ तब मैंने अपने घर में और गांव वालों को भी बताया इस तरह से वो रिवाज खत्म हुआ